या आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रोमांटिसिज्म। रोमांटिक एज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये कभी किसी पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन टू प्लेस इन, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब घटित हुआ है? 1789 में आया हुआ है। वी नो इट वेरी वेल कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका स्लोगन था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इस पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपने द प्रील्यूड में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, जो नर्क है अगर उस देखा जाए तो लंदन जैसे शहर के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक रोड्स दिस, वो कौन से रोमांटिक पोएट है जिन्होंने ये बात कही है, शेली ने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिरिकल बैलार्ड पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलार्ड कब पब्लिश हुआ? 1798 ईस्वी में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड 1800 ईस्वी में आया, थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलार्ड 1802 ईस्वी में आया। जो लिरिकल बैलार्ड है इट वाज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एसटी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट वॉल्यूम में 23 पोएम्स आई थी, चार कॉलरिज ने लिखा था, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। बैलार्ड से ही ये कहा जाता है कि रोमांटिक एज स्टार्टेड जो है इसी के पब्लिकेशन के साथ ही कहा जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है लिरिकल बैलार्ड्स वाज रिटन बाय, लिरिकल बैलार्ड्स किसने लिखा था, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज या बोथ? बोथ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पर्पस इन लिरिकल बैलार्ड्स वाज, वर्ड्सवर्थ का पर्पस क्या था लिरिकल बैलार्ड्स में, कि क्या बताना चाहते थे? मेक द फेमिलियर अनफेमिलियर, अनफेमिलियर टू फेमिलियर, बोथ, दैट इज मेक द फेमिलियर अनफेमिलियर। वर्ड्सवर्थ का पर्पस लिरिकल बैलार्ड में यही था कि जो चीजें जो है फेमिलियर है उन चीजों को अनफेमिलियर बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि थ्रू थ्रोइंग सर्टेन कलर ऑफ इमेजिनेशन, हमें जो है क्या करना है, कल्पना के रंगों को जो है यूज करना है, कल्पना के रंगों के सहारे सामान्य चीज को असामान्य चीज में परिवर्तित कर देना, नेचुरल को सुपर नेचुरल में कर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कर देना है। वर्ड्सवर्थ डाइज इन, वर्ड्सवर्थ की मौत कब होती है? वर्ड्सवर्थ की मौत 1850 ईस्वी में होती है। वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग ऑफ, वर्ड्सवर्थ किसकी टीचिंग में इंटरेस्टेड थे? विलियम गॉडविन। वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग ऑफ विलियम गॉडविन, यद्यपि विलियम गॉडविन वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर, गॉडविन की टीचिंग से अगर कोई सबसे ज्यादा मुतासिर था, प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था, तो वो जो है पीबी शेली थे। और जो विलियम गॉडविन की बेटी थी मेरी गॉडविन, उनके साथ पीबी शेली इलोप भी कर जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग ऑफ विलियम गॉडविन। द वर्ल्ड इज टू पेंटिंग वील ए वेस्ट आर पार्ट्स, हुज हु रोट दिस, यू विल कम टू नो इट वाज रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको जो है किसने लिखा हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वील ए वेस्ट आर पार्ट्स, हु रोट दिस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा है। ये उनका जो सॉनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस उसका हिस्सा है, और उनका जो सॉनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पेट्राचियल सॉनेट, उसका जो राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक द इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन लाइफ इंटरेस्टिंग बाई ट्रेसिंग इन देम, वेयर डू दिस लॉ कम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो मुख्य ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वॉज टू मेक द इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन लाइफ, वह यह था कि जो सामान्य जीवन की घटनाएं हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाना बाय ट्रेसिंग इन दे, कुछ चीजों को चिन्हित करके। वेयर डू दिस ला कम करे, ये ला जो है कहाँ से आता है, मतलब ये बात कहाँ पे कही गई है और किसने कही ये बात? ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और किसने कहा है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड में कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना ही यही था कि हमें क्या करना है, हमें जो है कॉमन लाइफ के बारे में लिखना है का, और जो रस्टिक लैंग्वेज रस्टिक पीपल है उनको, लेकिन उन सब चीजों को थोड़ा सा कलरफुल बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन।
ये बात किसने कही है, वर्ड्सवर्थ ने कही है, कि हमें जो है एक ऐसे सिलेक्शन लैंग्वेज का करना है जो रियली में बिन के द्वारा यूज किया जाता है। वो कौन सी लैंग्वेज है, रस्टिक लैंग्वेज। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि पोइट्री में हमें स्पेशल लैंग्वेज नहीं यूज करना, पोइटिक लैंग्वेज नहीं यूज करना, डिनोटेटिव लैंग्वेज नहीं यूज करना, सॉरी कनोटेटिव लैंग्वेज नहीं यूज करना, बल्कि जो लैंग्वेज यूज करना है वो क्या होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, रस्टिक मेन, रस्टिक पीपल के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज को यूज करना है। कॉलरिस दिस लाइव ट्री बॉ, या कॉलरिस दिस लाइव ट्री बॉवर बाय प्रिजन इज एड्रेस टू, करे कॉलरिस का जो दिस लाइव ट्री बॉवर बाय प्रिजन इज एड्रेस टू, या किसको एड्रेस है, चार्ल्स लैब को एड्रेस है। चार्ल्स लैब जो है रोमांटिक एज के वेल नोन एसेइस्ट है। चार्ल्स लैब ने इसे द फिलियर आपका ऐसे लिखा हुआ वो कलेक्शन ऑफ ऐसे है, उन्हीं का टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी है, और चार्ल्स लैब कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, उन्हीं का एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द क्रिटिक दैट डिवाइडेड इमेजिनेशन इनटू थ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी वंस, वो कौन सा क्रिटिक है जिसने इमेजिनेशन को तीन मुख्य हिस्सों में और सेकेंडरी हिस्सों में बांटा, कॉलेज ने। कॉलेज ने कहा कि जो इमेजिनेशन है वह दो तरह से है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू कॉमन मैन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू पोएट, जो क्रिएटिविटी होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन में होती है। इसके अलावा कॉलेज ने भी कहा कि इमेजिनेशन डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग, जो है किसी भी नई चीज को अगर आपको क्रिएट करना है तो जो पहले उसकी प्री ऑर्डर्ड कंडीशन है, जो उसका पहले का कंडीशन है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा। ये बात कॉलेज ने कही। कॉलेज इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया, चैप्टर नंबर 13 में 1817 में आई थी। एज अ फिलोसोफर कॉलेज वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन द फिलोसफी ऑफ, करे फिलोसफर के रूप में कॉलेज किस वतन के फिलोसफर से या फिलोसफी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, जर्मनी की। द मैरिनर इन द एंशिएंट मैरिनर किल्स, करे जो मैरिनर है, कॉलेज ने एक पोयम लिखा था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें दिखाया जाता है एक नाविक होता है जो एक चिड़िया को मार देता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैरिनर ने किस चिड़िया को मारा था, एल्बाट्रस नाम के बर्ड को मारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एट आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, ये किसने लिखा कि ओ लेडी वी रिसीव, हम जो है क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं वही चीजें, बट व्हाट वी गिव एट आवर लाइफ, जो कुछ भी हम देते हैं और जो हमारा जीवन है, अलोन डज नेचर लिव, यही अकेले नेचर के साथ रहता है वो चीज प्राप्त करता है, जो कुछ भी हम नेचर को देते हैं वही बदले में हमें क्या करता है, नेचर देता है। ये बात किसने कही, कॉलेज ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत कम जगहों पे मिलेगा जो है। नेक्स्ट है, इस कॉर्नर ऑफ हिज काइंड इम्प्लाकेबल इज रिवेंज यर कैपेबल ऑफ डीप एंड स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, हु इज ही, इसमें ही कौन है, ये जो है बायरनी हीरो है, ही कौन है, बायरनी हीरो है। इस कॉर्नर मैंने घृणा करने वाला ऑफ हिज काइंड इम्प्लाकेबल इज रिवेंज, जो बदले की आग में है, येट कैपेबल, लेकिन वह सामर्थ है डीप एंड स्ट्रांग अफेक्शन, उसके अंदर गहरा और मजबूत प्यार भी नजर आ रहा है। हु इज ही, यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है वो ही कौन है, बायरनिक हीरो है, लॉर्ड बायरन का। Who said Byron was bad and dangerous to know? किसने ये बात कही थी कि बायरन जो है bad थे और खतरनाक थे, लेडी कैरोलाइन लैम्ब ने, ये बात किसने कही, लेडी कैरोलाइन लैम्ब। ये भी क्वेश्चन नया है, अब मेरे लिए भी नया है और लोगों के लिए भी, दो क्वेश्चन नया मैं बता दूं, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 17 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 15 तब भी काफी हद तक 15 तो तब भी कुछ हद तक तो लोग जानते हैं कॉलेज का, लेकिन ये 16-17 जो लॉर्ड बायरन से, ये बहुत, अब आप ये कतई ना सोचिएगा कि लॉर्ड बायरन आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, सिलेबस की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है कि कॉमन क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जामिनेशन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रोमांटिक ऐसे पूछे, ये कभी नहीं हमें सोचना कि बायरन नहीं तो बायरन से क्यों, बायरन के Which of the following of Byron is autobiographical? Byron का कौन सा वर्क है जो अब autobiographical है? Bad Friend. Byron satirizes Britain in his, Byron ने satirize किया है Britain को या British nation को, किस पे? Dutch War में satirize किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत फेमस है, कई बार पूछा जा चुका। आई वोक वन मॉर्निंग, एक सुबह मैं जागा एंड फाउंड माई सेल्फ ग्रेट, और मैंने पाया कि मैं बहुत फेमस हो चुका था। ये लॉर्ड बायरन का स्टेटमेंट है। हु कॉल्ड शेली एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, कई बार पूछा जा चुका है। आई थिंक कि मैं नहीं कहूंगा कि अनकाउंटेबल, लेकिन न्यूमरस टाइम्स यू विल गेट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। कि ये बात शेली के बारे में किसने कहा है, बात शेली के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ऑफ बायरन्स वर्क डू वी कम अक्रॉस द बायरनिक हीरो, कह रहे हैं हीरो के बारे में हमें पता चलता है। चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज में, जो चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज है उसमें हमें बायरन के हीरो के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेड प्राउड मूडी सीनिकल विद डिफायंस एडवाइजरी आई स्कॉर्नर, ये किसको रिफर करता है? बायरनिक हीरो को रिफर करता है। हु इज द हीरोइन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन है, यह एक डोमेस्टिक नॉवेल है रिटन बाय जेन ऑस्टिन, और इसकी हीरोइन कौन है? एलिजाबेथ बेनेट है। ये सब पढ़ा जा चुका है। हु रोड फार दाई सेक टोबैको आई वुड डू एनीथिंग बट डाई, कह रहे किसने लिखा फार दाई सेक, तुम्हारे लिए टोबैको, आई वुड डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगा बट डाई, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर भी जाऊंगा। चार्ल्स लैम ने लिखा, ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है। मतलब मैंने बहुत सारे लेक्चर डिलीवर किए, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो चार्ल्स लैम का आई डिडंट गेट, तो कुछ चीजें कभी कभार नई मिल जा रही है। हु इज द राइटर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फार्मर, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जॉन कीट्स का है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री अ फ्रेज क्वाइड आर एनालॉजी विद द, करें जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है एक फ्रेज है, इसको किसके समकक्ष किसके समांतर लाया गया? लेक स्कूल ऑफ पोएट्स, जो लेक स्कूल ऑफ पोएट्स थे उनके समांतर इसे लाया गया। एडोडाइस एंड एलिजी आर कीट्स, करें जो एडोडाइस है या एक एलिजी है कीट्स के ऊपर, इसको किसने लिखा? शेली ने लिखा। ये सब कई बार क्वेश्चन अभी हमी ने क्लास में रिपीट करवाया है। शेली इन एडोडाइस इम्प्लाइड दैट कीट्स डेथ वाज ब्रॉट अबाउट बाय, करें शेली ने एडोडाइस में बताया कि जो कीट्स का डेथ है उसको जो है उस पर बात की थी किसने, रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया गया था। बेडलाइन अ क्रिएशन ऑफ कीट्स फिगर, करें कि बेडलाइन एक क्रिएशन है कीट्स का, ये कहाँ पे है? द ईव ऑफ सेंट एग्निस पे, किस पे? द ईव ऑफ सेंट एग्निस पे। इन विच ऑफ हिज ओट्स कीट्स वंडर्स अबाउट द सस्टेनेंस ऑफ द इमेजिनेटिव विजन, कह रहे कीट्स अपने किस ओट्स में इमेजिनेटिव विजन की बात करते हैं? ओ टू नाइटिंगल में। वेयर हैज कीट्स एक्सप्रेस हिज डिसलाइक फॉर पोइट्री दैट हैज अ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, इन्होंने ये बात अपने एक लेटर में कही हुई है। कीट्स ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी इज सजेस्टिव, करें कि किसको सजेस्ट करता है? आई फील देयर फोर आई एम को सजेस्ट करता है। माई नेम इज रिट इन वाटर, एक इसका स्टेटमेंट है कीट्स का। द रोमांटिक्स डिड नॉट प्रोड्यूस रिमार्केबल प्लेस बट गुड क्रिटिसिज्म ऑफ द ड्रामा इज अवेलेबल, करें रोमांटिक्स ने कोई अच्छा प्ले तो नहीं लिखा लेकिन ड्रामा पर क्रिटिकल वर्क अच्छे आए, ये बात किसने कही? टॉमस डी क्विंसी ने कहा। टॉमस डी क्विंसी वो क्रिटिक है जिन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पार्ट। हु सेड आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट आई मे से, सो कॉलेज ने ये बात हैमलेट को लेकर के रोमांटिक एज में कॉलेज ने बहुत सारी बातें कही है। हु इज द राइटर ऑफ इबाइल दैट इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस द रोमांटिक मूवमेंट, इबाइल का राइटर कौन है जिसने रोमांटिक मूवमेंट को प्रभावित किया? रूसो रहे, रूसो का रचना इबाइल रहा। It is strange but true, for truth is always strange, stranger that fiction who wrote this, Byron का statement है। statement किसका? Byron का। Next है the phrase willing suspension of disbelief, ये जो phrase है willing suspension of disbelief है किसका? Coleridge का। In which of the following do we find the caricatures of Coleridge, Byron and Shelley? करें हमें किसमें जो है तीनों का कैरिकेचर मिलता है? टॉमस लव पीकॉक का नाइटमेयर अबे में, टॉमस लव पीकॉक एक क्रिटिक रहे, उनके वर्क नाइटमेयर अबे में हमें तीनों का कैरिकेचर मिलता है। टॉमस लव पीकॉक नाइटमेयर अबे इज अ रोमन अक्लिफ, रोमन अक्लिफ मतलब वही कैरिकेचिंग,
Testiga flora and the country green grass, provincial songs and sunburnt bush. इसमें कौन सा इमेज रही है? सिरेसिया। सिरेसिया वही इमेज रही जिसमें कई इमेजेस साथ में आकर के मिल जाए, उसको सिरेसिसिया कहा जाएगा। द नावल ऑफ वाल्टर स्कॉट डील्स विद, वाल्टर स्कॉट का जो नावल है वह स्कॉटलैंड को डील करता है। द कैरेक्टर बिल लैंबोर्न इन केनिलवर्थ इस क्रिएशन ऑफ वाल्टर स्कॉट का है। द कैरेक्टर माइल लैंबोर्न इन केनिलवर्थ इज अ क्रिएशन ऑफ। द फ्रेज वेवरली नावल इज एसोसिएटेड विद, वेवरली नावल किससे? वाल्टर स्कॉट से। बिकॉज ऑफ हूज रिफ्यूजल दैट द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट वेंट टू रॉबर्ट सदे इन 1830, वाल्टर स्कॉट के रिफ्यूजल पर गया हुआ है। She was a heroine in Home, no one but myself ill, much like who is Jane Austen referring to? Emma. Cousin Bridge a character. Cousin Bridge a character है, figures in the works of Charles Lamont की sister, who the word Ilya is associated with Charles Lamont से। तो ये सारी चीजें रही है और इसमें मुझे लगता है कि 50 questions है जिसमें कई सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और रोमांटिक एज पर हमने काफी कुछ कवर करा दिया है और हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कुछ चीजें और हम ले लें। रोमांटिक प्रोज भी वैसे आया, रोमांटिक नॉवेल भी आया इसपे जो है, और भी बहुत सारी चीजें हमने कवर कराई है। तो चूंकि अभी ज्यादातर कुछ इस तरह के पैटर्न को लेके चल रहे हैं, कोशिश अब हम ये करेंगे कि हम इंडिविजुअली अगर रोमांटिक एज के प्रोज को, रोमांटिक एज के नॉवेल को, उससे एक एक शीट आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, बस यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ।